हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 27 मई 2023 की द हिंदू वोकेबलरी कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की ओर। और हमारा पहला वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग का अर्थ होता है डरावना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्टर्बिंग और फ्रेटनिंग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होंगे इसके रेज्यूरिंग। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का अर्थ होता है वाजिब। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मॉडरेट और इकोनॉमिकल। एंटोनिम्स होंगे इसके एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का अर्थ होता है कम खर्चीला। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का अर्थ होता है शांति। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स होंगे पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होंगे प्रोवोकेशन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिफर। डिफर का अर्थ होता है झुक जाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सबमिट और गिव अवे। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टैंड अप टू और डिसओबे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेफियंस। डेफियंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑप्टिसिज्म और कंफर्टेशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होंगे इसके सबमिशन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है मिसले। मिसले का अर्थ होता है गवाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके मिसप्लेस, लॉस्ट ट्रैक ऑफ। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फाइंड। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है विप। विप का अर्थ होता है भगाना। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रश और रेस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके ड्यूडल। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टाइल। स्टाइल का अर्थ होता है बाधा डालना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्पेयर्ड और हिंडर। एंटोनिम्स होंगे इसके फैसिलिटेट। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है शन। शन का अर्थ होता है बचना। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इवेड और एस्यू। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्सेप्ट। इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है सबड्यूड। सबड्यूड का अर्थ होता है विषादपूर्ण। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके लो स्पिरिटेड और डाउनकास्ट। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके लाइवली। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक बार इनको देख लेते हैं। अ प्लेस फॉर कीपिंग लिव फिश। वह कौन सी जगह जहाँ पर फिश को रखा जाता है? तो है एक्वेरियम। नेक्स्ट हमारा प्लेस फॉर स्टोरिंग बुक्स, तो ये होगी लाइब्रेरी। नेक्स्ट हमारा हॉस्पिटल फॉर क्रोनोलॉजिकली
इल, जिसको बोलते हैं सेंटोरियम। नेक्स्ट हमारा कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स, इसका हो जाएगा सेमिनरी, इसका मीनिंग हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।